दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले 1600 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 6000 से ज्यादा हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1656 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। 4 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 4 फरवरी को 2272 नए मामले सामने आए थे। शुक्रवार को 5.39% कोरोना संक्रमण दर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 30,709 टेस्ट किए गए थे। ऐसे में दिल्ली में अब कोरोना के 6,096 एक्टिव मामले हैं। इसके साथ ही 171 कोरोना मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। गुरुवार को दिल्ली में 1,365 कोरोना मरीज मिले थे, जबकि संक्रमण दर 6.35% दर्ज की गई थी। इस लिहाज से भले ही संक्रमण दर में कमी दिखी हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने वाकई चिंता बढ़ा दी है। वहीं राजधानी में कोरोना से अब तक 26,177 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3,545 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,94,938 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,688 रह गई है। संक्रमण से 27 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,002 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.05% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने वाले संक्रमितों की दर 98.74% आंकी गई है। इसी बीच भारत में कोरोना वायरस के नए एक्सई वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। बीते कई दिनों से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।